अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं कल बाजार गई थी तो मैं पुदीना लेकर आई थी, तो मैंने सोचा कि इसको धोते हुए साफ करते मैं किस तरह से इसको सेफ करती हूँ, पुदीनों को, पुदीने को महीनों तक किस तरह से सेफ करती, तो मैंने सोचा थोड़ा सा ये आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो मैं पुदीना अब साफ करने लगी हूँ, फिर मैं इसको धो के सुखा के कंप्लीट ये छोटी सी रेसिपी आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैं किस तरह से इसको सेफ करके रखती हूँ। ये मेरे लिए बहुत बेहतर है, मेरी हेल्थ के लिए अच्छा है, तो मैं ना इसको डेली अपनी रूटीन में शामिल करती हूँ फिर मैं पुदीने को ना। तो मैं जो ना ये आप लोगों से थोड़ा सा शेयर करूँगी, इसके बाद बताऊंगी कि मैं क्या क्या करती हूँ इस पुदीने का। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? यकीनन खुश होंगे, ज़िंदगी की भाग दौड़ में मसरूफ़ होंगे। मैं भी बहुत खुश हूँ और खैरियत से हूँ, सेहतमंद हूँ। ये देखें मेरा फेस जो है ना, सेहत का जिक्र भी ज़रूर करती हूँ मैं। ये बार बार ये बताना इसलिए चाहती हूँ कि मैं शुगर की पेशेंट हूँ, ताकि मुझे देखे लोग कि मैं कितना हेल्दी हूँ। आज के दौर में शुगर तेज़ी से फैल रहा है। हम अपने आसपास देखते हैं, जो भी इंसान, लेडीज़ से, जेंट्स से, बच्चे, तेज़ी से वीक होता हुआ जब नज़र आए तो हम समझ जाते हैं इसे शुगर हो चुका है, और ये इतना ख़तरनाक मर्ज़ है। तो मैं ये दिखाना चाहती हूँ कि देखिए, इतने ख़तरनाक मर्ज़ को भी हम हंसते खेलते ले सकते हैं, हम बहुत अच्छी लाइफ गुजार सकते हैं। मैं एक अच्छी हाउसवाइफ हूँ और स्मार्ट हाउसवाइफ आप मुझे कह सकते हैं। खैर, इतनी भी हाउसवाइफ नहीं है, मैं जॉब में काम भी करती हूँ, मैं कपड़े सिलाई करती हूँ, तो ज़ाहिर मेरा बाहर आना जाना होता है कहीं कहीं घंटों के लिए, तो मैं बहुत हेल्दी खुद को फील करती हूँ। अपने माइंड को मैं माइंड सेट करती हूँ कि मैं हेल्दी हूँ, तो माइंड, अल्लाह ताला ने दिमाग ऐसा बनाया कि जब हम इसको सेट कर लेते हैं ना किसी बात पर, तो फिर हमारी बॉडी उसी हिसाब से चलना शुरू हो जाती है। हाँ, तो मैं अब आपको बताना चाह रही हूँ, मैंने ये वीडियो दिखाई है कि किस पुदीने का यूज़ किस तरह से करती हूँ। तो ये मेरा पुदीना देखे तैयार हो चुका है, ये फार्म, इसमें जो है ना पुदीना पाउडर, ये मेरा पुदीना पाउडर देखे तैयार हो गया है, और इसको मैं अपनी डेली रूटीन में शामिल करती हूँ। मैं, जैसे कि मुझे डॉक्टर ने कहा है कि भाई आप लस्सी बना के पिया करें, तो मैं दिन में लस्सी बना के पीती हूँ, तो मैं इसमें एक चुटकी पुदीना डाल देती हूँ, सलाद में पुदीना, आलू की कतनी, सब मुख्तलिफ सब्ज़ियों में, चावल खे मैं डेली खाती हूँ। तो मैं पुदीने का यूज़ हर, मेरी कोशिश होती है हर उस चीज़ में जिसमें जायका दे इसको यूज़ कर लिया जाए, क्योंकि पुदीना जो है ना, मेरी बहनें, सिर्फ मैंने जो देखा है पुदीना पुलाव, बिरयानी, चटनी, इन तीन चीज़ों में पुदीना यूज़ किया जाता है, इसके अलावा पुदीना नहीं यूज़ किया जाता। तो बताने का मकसद ये है कि पुदीने को यूज़ किया जाए, पुदीना हमारे मैदे को ठंडा रखता है, मैदे को बेहतर रखता है, सेहत अच्छी होती है, और पुदीना जो है ना, ये अल्लाह ताला की अनमोल नेमत है। इसे अपनी डेली रूटीन में अच्छे से हम सेफ नहीं कर पाते, तो ये मैंने, खैर अब तो ये और भी चैनल पे, कुकिंग चैनल पे आपको ये आइडिया मिल जाएगा कि पुदीने को इस तरह से सेफ किया जाता है। ये मेरा खैर अपना आइडिया था, ये मैंने खुद आज से जो है ना 3 साल पहले इसको इस तरह से सेफ किया था कि पुदीना मैं कैसे सेफ कर सकती हूँ, इतनी अच्छी बेहतरीन चीज़ है मेरी सेहत के लिए, तो मैं इसको कई कई महीनों तक कैसे सेफ कर सकती हूँ। अच्छा, पुदीने को कभी भी धूप में नहीं सुखाना है, इसे छांव में सुखाना है। छांव में सुखा के हाथ से जब मैश करते हैं तो ये फिर पाउडर बन जाता है। तो इसको जो है ना, अब डेली रूटीन में शामिल करें, इससे सेहत अच्छी रहेगी, वेट लूज लोगों के लिए बहुत अच्छा, तमाम लोगों के लिए अच्छा है। पुदीना बच्चों को यूज़ करवाएं, बड़ों को यूज़ करवाएं, और इसके देखें ग्रीन टी में पुदीना यूज़ होता है। अगर इस तरह से हम इसको घर में रखेंगे तो हम हर चीज़ में इसको यूज़ कर सकते हो, और छांव में जब हम इसे सुखाते हैं तो उसका खुशबू और जायका ख़त्म नहीं होता पुदीने का। पुदीना बहुत अच्छे तरीके से सेफ हो जाता है, वही ताज़ा खुशबू है, वही जायका है, आप एक बार यूज़ करके देखें इसे।
और अगर घर में बीमार हैं मेरी तरह पेशेंट हैं तो फिर उनको पुदीना ज़रूर यूज़ करवाएं, ये शुगर के पेशेंट के लिए बहुत अच्छा है और इससे मेरी सेहत अच्छी रहती है। शुगर के पेशेंट का अच्छा पता है, डॉक्टर कहते हैं कि हमारा मैदा हमेशा ख़राब रहता है शुगर पेशेंट का, लेकिन आप यकीन जाने मेरा मैदा इतना सॉलिड है, इतना ज़बरदस्त रहता है, मैं अपने मैदे का ख्याल रखती हूँ। और पुदीना सबको यूज़ करना चाहिए, ये बस एक छोटा सा था बताना। और छाँव में ही सुखाना, एक बार मैंने धूप में सुखा दिया, मैंने काफ़ी सारा पुदीना लेकर आई तो मैंने सोचा इसको धूप में सुखाऊँ तो जल्दी सूख जाएगा, मतलब एक दिन में फारिक हो जाएंगी, वरना ये होता है छाँव में सुखाओ दो तीन दिन लग जाते हैं रखा हुआ है, भाई गर्मियों में तो एक दिन में सूख जाता है। फिर इसको जो ना मैंने सोचा भाई एक दिन में काम खत्म हो जाएगा, जल्दी से धूप में सुखा लूँ, तो उससे ये वक्त की खुशबू चली गई, इसका कलर चला गया, वाइट वाइट हो गया, तो वो सारा कचरे के डब्बे में गया था। इसलिए जल्दी की कोई ज़रूरत नहीं है, इसे अच्छी तरह धोना है, अच्छी तरह धो के मिट्टी निकाल के छाँव में सुखा दे, फिर इसको पाउडर बना के डब्बे में सेव कर लें। तो आज की यही छोटी सी टिप थी, ये वेट लूज लोगों के लिए बहुत अच्छा है और पेशेंट के लिए तो है ही अच्छा। पुदीने को इस तरह से सेव करें, फिर इसको अपनी डेली रूटीन में शामिल करें, पुदीना ये सेहत के लिए बहुत अच्छा है। तो सबको पता है, तमाम मुसलमानों को पता है कि पुदीना सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। अपनी सेहत का ख्याल रखें और ज़िंदगी को एंजॉय करें, ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है लेकिन सेहत के साथ, सेहत है तंदुरुस्ती है तो ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखना, मैं भी आप सबको दुआओं में याद रखूँगी इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह हाफिज़।